हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा वैकेंसियां निकली थी नहीं, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो 15/11/2019 को निकाला गया था उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी वैकेंसियां थी। उनमें से 3 वैकेंसियां थी, सीनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट, जिसका रिटर्न एग्जामिनेशन हो चुका था, सीबीटी उसका रिजल्ट आ चुका था, और उसके बाद जनवरी फरवरी में उसका जो स्किल टेस्ट हुआ था उसके बाद अब फाइनल रिजल्ट आ चुका कैंडिडेटों का जो सेलेक्ट हुए हैं, और उनकी आगे क्या प्रोसेस होगी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कितने पर कट ऑफ गई है, कौन कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है। तो उसे शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी मोर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो देखते हैं शुरू में, तो आज यहाँ पर देखोगे 31 तारीख का नोटिस है, आज ही के दिन रिजल्ट जारी किया गया है इन कैंडिडेटों का। अगर यहाँ पर वैकेंसी की बात की जाए तो सीनियर असिस्टेंट की टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो 60 थी, स्टेनोग्राफर की 25 और जूनियर असिस्टेंट की थी काफ़ी वैकेंसियाँ थी इसकी 204 थी जो 12th बेस पे थी। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इसका CBT 1 है जो Tier 1 था, तो इसमें रिजल्ट आने में बाकी बहुत टाइम लग गया, बीच में कोरोना टाइम भी आ गया था। तो यहाँ पर आप देखोगे जो सीनियर असिस्टेंट है उसका 30 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, स्टेनोग्राफर का 31 जनवरी 2020 की बात है, ये करीबन एक साल से ऊपर हो चुका है, डेढ़ साल के करीब। तो जूनियर असिस्टेंट का 29/30 को था आपका एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आप देखोगे फिर जिसका रिजल्ट जो पास हुए थे सेकंड स्टेज जो स्किल टेस्ट है वो आपका 20 फरवरी, सीनियर असिस्टेंट का और स्टेनोग्राफर का 20 फरवरी और जूनियर असिस्टेंट का 21 फरवरी को हुआ था। उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आ हुआ है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ CBT द फॉलोइंग कैंडिडेट आर फाउंड प्रोजुली एलिजिबल फॉर द पोस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिल क्राइटेरिया। तो ये कैंडिडेट हैं जो फिल करते हैं कैंडिडेट पूरा क्राइटेरिया। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और फादर नेम और कैटेगरी नंबर से यहाँ पर इजीली आप चेक कर सकते हो। ये UR है, जर्नल की लिस्ट यहाँ पर आप इजीली देख पाओगे, ये स्टेनोग्राफर की हैं, सीनियर असिस्टेंट की सॉरी। तो यहाँ पर आप देखोगे सीनियर असिस्टेंट, ये OBC NCL सीनियर असिस्टेंट की ही 16 वैकेंसियाँ, ST की 4, यहाँ पर आप देखोगे SC की यहाँ पर 9 वैकेंसियाँ हैं जो फिल की गई हैं, EWS की 5। यहाँ पर आप अपना इजीली नाम चेक कर सकते हो। यहाँ पर फिर स्टेनोग्राफर के आगे रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना जिस भी कैंडिडेट का हुआ उसका बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हम बात करेंगे अब आपको क्या लेकर जाना है, कब आपको जाना होगा, कहाँ पर जाना होगा, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो ये आप यहाँ पर अपने रोल नंबर चेक कर सकते हो जिस कैंडिडेट के भी हुए हैं ईजिली। तो हम अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं, इसी कट ऑफ की बात कर लेते हैं कितने पर कट ऑफ गई है, और जिनका नहीं हुआ उनको कैसे अपने नंबर चेक करने होंगे उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे जो सीनियर असिस्टेंट है इसकी जो कट ऑफ है SC की 178, ST की 166, जो जर्नल की कट ऑफ गई है 196.66 पर इसकी कट ऑफ गई है। वहीं अगर स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर की आप देखोगे 139.39 पर गई है, OBC की 133.3 और EWS की 130.33, और जूनियर असिस्टेंट जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ थी इसकी कट ऑफ गई है आप यहाँ पर देखोगे जनरल की 164.47। तो आगे आप देखोगे ये इतनी इनकी कट ऑफ गई है, जिन कैंडिडेटों का नहीं हुआ उससे कम मार्क्स थे। यहाँ पर आप और भी इसका रीज़न देख सकते हो, जो यहाँ पर 6 पॉइंट एज पर एडवर्टाइजमेंट केस वेयर मोर वन कैंडिडेट सिक्योरी कॉल, जहाँ पर एक से नंबर होंगे जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी गई है, ये बात इसमें बोली गई है। यहाँ पर आप देखो रिजेंट रिजर्वेशन कट अक्रॉस, ये तो वैसे कोई बात नहीं इसकी। तो आप यहाँ पर देखोगे मेर इन ना नेम ऑफ कैंडिडेट इन द लिस्ट आर प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट इन द रिजल्ट नोटिस डज नॉट कन्फर्म एनी राइट, ये तो चलो कोई नहीं, ये तो आता है। यहाँ पर आप देखेंगे अपलोड द CBT, यहाँ पर देखो द बोर्ड विल शॉर्टली जल्दी ही अपलोड द मार्क्स ऑफ CBT रिजल्ट स्किल टेस्ट ऑन, ये जल्दी ही आपको CBSE की जो साइट है वहाँ पर इसके मार्क्स देखने को मिलेंगे, और स्किल टेस्ट का जो आपका रिजल्ट है आप वहाँ पर कैंडिडेट में लॉग इन ऑन द CB वेबसाइट टू चेक देयर स्कोर, आप वहाँ पर लॉग इन करके ईजिली चेक कर सकते हो। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनके लिए देखो अब क्या न्यूज़ है, द बोर्ड विल शॉर्टली इन्फॉर्म द डेट एंड वेन्यू ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड, जो कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए CBSE की साइट पर डेट डाली जाएगी, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या लाना है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे नीचे 12th पॉइंट में। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड द अटेस्टेशन फॉर्म विच विल बी मेड अवेलेबल ऑन द CBSE,
तो सीबीएसई की वेबसाइट पर एक अटेस्टेशन का फॉर्म अपलोड किया जाएगा, आपको वो डाउनलोड करना है। ब्रिंग इन द ड्यूली फिल्ड ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेम अलोंग विद द 3 सेट ऑफ सेल्फ टेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिक। तो जो ये अटेस्टेशन का फॉर्म होगा इसकी 3 कॉपियाँ करके लेके जानी है, और 3 कॉपी सेल्फ टेस्टेड कॉपीज आपको अलग अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो लेकर आपको सीबीएसई के जहाँ पर सीबीएसई वेन्यू रखता है, आपको बुलाने का डेट रखता है, वो आपको सीबीएसई की साइट पर जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी कि जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो कॉन्ग्रेचुलेशन, जल्दी आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर लिंक मिल जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। आपको ये याद रखना कि 3 कॉपियाँ लेकर जानी और जो फॉर्म डाउनलोड करना है, और 3 कॉपियाँ ओरिजिनल सभी डॉक्यूमेंटों की कॉपी करके अटेस्टेड सेल्फ टेस्ट करके आपको लेकर जानी है। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। जिनका नहीं हुआ वो जल्दी ही सीबीएसई की साइट पर लिंक डल जाएगा, वहाँ से आप अपना लॉगिन करके स्कोर इजीली चेक कर पाओगे। और कोई भी इसके अलावा आपको इंक्वायरी है तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ दें, तो उसका हम जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। मैं इसका जो पीडीएफ का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी डालता रहता हूँ और पीडीएफ भी वहाँ आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो। यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। घर पर रहें आप, स्वस्थ रहें, घर वालों का ध्यान रखें। ऐसी ही हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, और आपने वीडियो यहाँ तक देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।